नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा, यह अदालत का विषय नहीं है। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे के महेश्वरी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक राष्ट्रपति संसद का भी अनिवार्य हिस्सा है। लोकसभा सचिवालय ने उनसे उद्घाटन न करवाने का जो फैसला लिया है वह गलत है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, सभी बड़े फैसले भी राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं। अनुच्छेद 87 के तहत उनका संसद में अभिभाषण होता है, जिसमें वह दोनों सदनों को संबोधित करते हैं।